आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते दिन भर की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेले की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के उन्नति मेले की न्यू इंडिया में जरूरत है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का नाम लिए बिना देश में गुस्सा फैलाने और युवाओं तथा किसानों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई दिशा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि केवल कांग्रेस ही देश की दिशा बदल सकती है। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में गुस्सा फैलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मानहानि मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया से लिखित माफी मांगने के बाद पंजाब में आप नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। इसी बीच मामले में शांति के लिए केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए अपने घर पर बैठक रखी। महाराष्ट्र में हुए किसानी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार फसलों की एमएसपी उनकी उत्पादन लागत से 1.5 गुना देगी। पीएम मोदी ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर कहा कि किसान खेतों में पराली ना जलाएं, साथ ही किसानों से अपील की यूरिया की खपत कम करें और खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ाएं। कांग्रेस महाधिवेशन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि 2019 में राहुल गांधी को पीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद योगी सरकार के 37 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 16 जिलों के जिलाधिकारी और वाराणसी सहित 4 मंडलों के कमिश्नर शामिल हैं। उपचुनाव की मतगणना के दौरान विवादों में आए गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला को भी पद से हटाकर पांडियन गोरखपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी मामले में आरोपी भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या ब्रिटेन की एक अदालत में पेश हुए। वो यहां अपने खिलाफ चल रहे प्रत्यार्पण मामले की सुनवाई के सिलसिले में पेश हुए। सुनवाई के दौरान ब्रिटेन की न्यायाधीश ने कहा कि माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने के मामले में कुछ भारतीय बैंकों ने नियम तोड़े हैं, यह बात बंद आंखों से भी देखी जा सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के राजनयिकों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम 20 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोर्न स्टार के बीच यौन संबंधों का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में पोर्न स्टार ने ट्रंप को उनके पैसे लुटाने की बात कही थी ताकि वह इस मामले पर खुलकर बात कर सके। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पोर्न एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकियों भरे फोन आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के कोटला टेलीफोन मैदान में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर काली स्याही फेंके जाने का मामला सामने आया है। नेहरू की मूर्ति पर ये स्याही शुक्रवार देर रात फेंकी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति पर से स्याही को साफ कर दिया। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपने पारिवारिक रिश्तों के कारण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में शमी ने अपनी पत्नी पर कई खुलासे किए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि मैंने कभी भी शमी पर मैच फिक्सिंग के आरोप नहीं लगाए हैं, मैं इस मामले को कोर्ट में नहीं लाना चाहती थी। जिस तरह से शमी मुझे पिछले 2 सालों से ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। बिहार के दरभंगा में हुई हत्या में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने दावा किया है कि यह हत्या साजिश के तहत की गई है। उन्होंने साफ किया है कि हत्या की घटना को जमीनी विवाद के साथ अंजाम दिया गया है, जबकि अब तक ये आरोप लगते आ रहे हैं कि मोदी समर्थक होने की वजह से यह हत्या की गई थी। फिल्म मेकर बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों जानवी कपूर और खुशी कपूर के साथ मुंबई में अर्जुन कपूर के घर मिलने के लिए पहुंचे। अर्जुन इन दिनों पंजाब में चल रहे नमस्ते इंग्लैंड की बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर अपने घर पर आए हुए हैं। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक जून के पहले हफ्ते में अपने बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। स्पॉटवाई की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के परिवारों ने रिश्ते को मंजूरी दे दी है। शक्ति अस्तित्व के एहसास की सौम्या के नाम से पहचाने जाने वाले रुबीना अक्सर टू फेम अभिनव के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है। मेरे साथ इन खबरों में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए A1 न्यूज।